हेलो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेंटोर जी क्लासेस में। मैं वीजे फिर आपके साथ जुड़ गया हूँ बजाने बायोलॉजी का डीजे। बच्चों, क्लास 12th बायोलॉजी ये एग्ज़ाम हमारा आप जानते ही हैं शुरू हो। यू हैव टू अपीयर ऑन 19th ऑफ मार्च एंड दैट इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एग्जाम फॉर ऑल हु वांट्स टू अपीयर इन CUET, क्योंकि उसके अंदर बोर्ड की परसेंटेज भी बहुत मायने रखती है। अब सभी फिजिक्स के हालातों से सभी वाकिफ हैं, और जो हमारी फिजिक्स में कमी रही है उस कमी को हमें अपने बहुत बेस्ट सॉल्यूशन के साथ, अपने बेस्ट एफर्ट्स के साथ हमें वो कमी बायो में पूरी करनी है। बच्चों, जिस तरीके से आपने अभी तक के एग्जाम पेपर्स के पैटर्न को ऑब्जर्व किया, जैसे कि मैं फिजिक्स को लेकर चलता हूं कि जिस तरीके का फिजिक्स का पैटर्न था, तो आपने देखा 5 मार्क्स के क्वेश्चन इजी थे, अप्रोचेबल थे, लेकिन वहीं MCQ 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स में पूरी तरीके से हमें मेहनत करनी पड़ी उन को सॉल्व करने के लिए और मार्क्स को ऑप्टेन करने के लिए। तो कहीं ना कहीं मुझे इसी तरीके का ओवरव्यू मिल रहा है कि बायोलॉजी में भी आपको इसी तरीके से सम सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चंस के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखिए, इसको मैं एक क्वेश्चन से आपको समझाता हूं कि जैसे कि हमने एक चैप्टर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इन फ्लावरिंग प्लांट्स की मैं बात करूं, तो इससे रिलेटेड हमारे पास पहले क्या क्वेश्चंस थे और अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड बनने के बाद क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस आया है। अब मैं आपको दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को, एक ही क्वेश्चन को दो रूप देता हूं, तब उस बात से आप समझेंगे कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। देखिए, सपोज कीजिए कि पहले 2018 या उससे पहले, प्रायर, उससे पहले क्वेश्चन किस तरीके से आते थे, उससे पहले क्वेश्चन इस तरीके से आते थे कि क्वेश्चन आपको दिया गया कि एक्सप्लेन अ जेनेटिक मैकेनिज्म टू एंश्योर वेरिएशन इन प्लांट्स। ठीक है जी, तो ये इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता था। अब इसमें आपको क्या लिखना है, आंसर आप जानते ही हैं, ये इजीली आपके दिमाग में जेनेटिक वेरिएशन से आपको हिंट दे दिया गया, और जेनेटिक वेरिएशन के हिंट के बेसिस पर आप क्या कर सकते हैं, जेनेटिक बेसिस के वेरिएशंस पर आप लिख सकते हैं कि भाई इसमें क्या होगा कि जैसे हमने एप्पल का प्लांट लिया, तो एप्पल के प्लांट के अंदर ना तो ऑटोगैमी होगी इसमें, ना गीटोनोगैमी होगी, दोनों तरीके से ही सेम जीन होने की वजह से पॉलन ट्यूब ग्रोथ और जर्मिनेशन, पहले तो जर्मिनेशन, पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन, जर्मिनेशन और ग्रोथ सेम जीन होने की वजह से दोनों ही काम नहीं होंगे। वहीं अदर प्लांट होगा, दूसरा प्लांट होगा, यानी कि जीनोगैमी हो जाएगी, तो ये उसको प्रिफर करेगा और पॉलिनेशन मतलब कि
उस पॉलिनेशन हो जाएगा, पॉलन ट्यूब जर्मिनेट हो जाएगी, और जर्मिनेट होने के बाद पोस्ट पॉलिनेशन चेंजेस होकर फर्टिलाइजेशन तक पहुंचा जाएगा। तो ये क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होने के बावजूद भी इसने अपने अंदर जेनेटिक मैकेनिज्म को, सेम जीन अगर है, एक ही प्लांट से है, यानी कि ऑटोगैमी क्या होता है, सेम इस फ्लावर पर जो उसी की स्टिग्मा पर उसी का पॉलन ग्रेन गिर गया, या डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट तो भी नहीं होगा क्योंकि जीन तो सेम ही है, लेकिन वही डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट से पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि डिफरेंट जीन होगा। अब इस बेसिस पर आप इसको आंसर लिख सकते हैं। लेकिन अब आज का जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, अब जैसे आजकल जिसे हम नाम देते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, अब उसके अंदर क्या बदलाव होंगे, जैसे कि जी बदलाव देखिए, अब आप, आपको इस तरीके से एक प्लांट ए दे दिया, ये एक आपको कह दिया जी एप्पल प्लांट ए, और इसी तरीके से एक और प्लांट दे दिया, ये कह दिया जी एप्पल प्लांट बी, ये आपको दो प्लांट दे दिए। अब दो प्लांट पर ये आपको फ्लावर्स दिखा दी, ये मैं फ्लावर्स बना रहा हूं, ये हम फ्लावर्स बना रहे हैं, और ये हमने इसके पॉलन ग्रेन वो आपका एंथर्स को दिखा दिया। अब ये क्वेश्चन देखो कैसे बनेगा, अब इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, देखिएगा कि हमने क्या करा कि एक तो जो इसके पॉलन ग्रेन है इसी की स्टिग्मा पर गिर गए, ये वन, ठीक है जी, ये आपको ये दिखाया गया, या इसके पॉलन ग्रेन ये इसके इसी प्लांट की दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर गिर गए, और या ये पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर गिर गए। अब ये आपको तीन प्रस्पेक्टिव दिखा दिए, और इसमें क्वेश्चन पहला पूछ लिया आपसे कि क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का ये जो भी क्वेश्चन था उसका ए पार्ट आपको पूछ लिया गया कि भाई 1, 2, 3 कौन से फिनोमिनन है बताइए, तो ये आपको 1.5 मार्क्स का दे दिया गया। तो आप सिंपली बता देंगे कि 1 तो हो गया आपका ऑटोगैमी, 2 हो गया गिटोनोगैमी, और 3 हो गया आपका जीनोगैमी। तो इस तरीके से हर टर्म के आपको 1.5 पूरा 0.5 के हिसाब से मिल जाएंगे नंबर। अब दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर आपसे ये पूछ लिया गया कि भाई इनको रीजन आउट करिए, जस्टिफाई करिए कि किस बेसिस पर कह रहे हैं आप, तो रीजन लिख देंगे आप इसमें कि फर्स्ट में आप देख रहे हैं दैट इज ऑटोगैमी, क्यों होंगे, क्योंकि आपका पॉलन्स आर रीच्ड एट द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, इसमें दूसरे में हो जाएगा पॉलन्स ऑफ वन फ्लावर रीच्ड अप टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट दैट इज गिटोनोगैमी, और तीसरे में हो जाएगा पॉलन्स ऑफ अ फ्लावर रीच्ड अप टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट दैट इज जीनोगैमी, ठीक है जी। तो इसके रीजन के आपको 1.5 अलग से मिल गए, ठीक है जी। अब देखो डायग्राम से आपसे पूछा गया है, कुछ भी आपको दिया नहीं गया है, आपको डायग्राम के बेसिस पर आप वैल्यू बनाई गई है इस क्वेश्चन की। अब इसका सी पार्ट आपसे पूछ लिया गया कि आउट ऑफ दीज थ्री इन विच स्ट्रेटजी इन विच दिस प्लांट विल गेट हाइएस्ट वेरिएशन और मैक्सिमम वेरिएशन, तो आप बता देंगे भाई तीसरा हो जाएगा इसका, एक नंबर का ये हो गया कि तीसरी स्ट्रेटजी में हुआ है। अब डी पार्ट आपसे ये पूछ लिया गया कि वाई दिस प्लांट, नेम द मैकेनिज्म बाय विच दिस प्लांट हैव दिस इवोल्यूशनरी आस्पेक्ट,
किस बेसिस पर। तो अब आपसे, अब आपको ये जेनेटिक मैकेनिज्म वाली बात लिखनी है। अब इस जेनेटिक मैकेनिज्म से इसने क्या करा, अपने अंदर इवोल्यूशनरी चेंज किए। बीइंग बाइसेक्सुअल होने के बावजूद भी इसने अपने अंदर स्ट्रेटजी इस तरीके से डेवलप की है कि ये एप्पल प्लांट चाहता है कि बाइसेक्सुअल होने के बावजूद भी इसके अंदर ऑटोगैमी और गिटोनोगैमी प्रिफर ना हो, उसके लिए उसने सेम जीन वाला कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिया, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जिसको हम कहते हैं, दैट इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ये खुद के लिए इनकम्पैटिबल है, यानी कि सेम जीन के लिए कोई भी पॉलिन, आपका पॉलन ट्यूब ग्रो, जर्मिनेशन और ग्रोथ नहीं होगा। वहीं दूसरे प्लांट की सेम, दूसरा सेम स्पीसीज का एप्पल प्लांट दूसरा है और उस दूसरे प्लांट से ये पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि उसका जीन डिफरेंट हो जाएगा और जीन डिफरेंट होने की वजह से, जीन डिफरेंट होने की वजह से ये बेसिक प्रायोरिटी बन जाएगी और जिसकी वजह से ये बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस तरीके से। अब यहाँ पर दो अलग अलग सेम चैप्टर के कॉन्सेप्ट जोड़ दिए, पॉलिनेशन का आपके तीनों टाइप का कॉन्सेप्ट पूछ लिया इसमें, उसको वेरिएशन से जोड़ दिया और साथ ही साथ उसको सेल्फ कम इनकम्पैटिबिलिटी से जोड़ दिया। तो बच्चों इस तरीके के, अब ये पांच नंबर का क्वेश्चन आपका बना, डी में आपका एक नंबर और, तो 1.5, 1.5, 3 और ये 4 और एक 5। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन अब कहला रहे हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। अब इसी तरीके से इसी चैप्टर पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पर और बात करता हूं, जिस टॉपिक का नाम है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर हम क्वेश्चन को सेग्रीगेट करते हैं, क्या पहले आते थे और क्या अब क्वेश्चन आते हैं। अब पहले बिफोर 2018 और नाउ जो अब हम 2024 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या दोनों के अंदर डिफरेंस है। अब देखिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या है कि एक्सप्लेन द स्ट्रैटजी, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। ठीक है जी, अब इसमें सिंपल आपको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताना है और उसके तीनों स्टेप बता देंगे आप। सबसे पहला इमास्कुलेशन, फिर आप बता देंगे बैगिंग और फिर आप बता देंगे रीबैगिंग। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन हो गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, सिंपली आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और 1 इसके लिए मिल जाएगा। ठीक है जी, अब आज की तारीख में कैसे इसके अंदर ट्विस्ट पैदा किया जाता है देखिए, 2024 के बेसिस पर जिसको हम कह रहे हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, अब किस तरीके से ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में बदला गया है, आज के हालात के हिसाब से इस क्वेश्चन को कैसे हम बदलाव लेंगे। देखिए जी, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि यू आर गिवन पोटैटो एंड पपाया, एस्टेब्लिश द स्ट्रैटजी टू डेवलप क्रॉप इंप्रूवमेंट टेक्निक एंड जस्टिफाई देम, कि उनको जस्टिफिकेशन भी
दीजिए। अब ये सपोज कीजिए 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है या 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, तो अब यहां पर इसको थोड़ा सा फ्लेवर डाल दिया। अब उन्हीं को ही हम क्या नाम दे रहे हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कह रहे हैं। अब यहां पर हम इसको कैसे सेपरेट करेंगे, देखिए बच्चों, पोटैटो जो है दैट इज बाइसेक्सुअल, आपको पता होना चाहिए कि पोटैटो जो है वो बाइसेक्सुअल प्लांट है, फ्लावर है, रखता है। और जो पपाया है दैट हैविंग द यूनिसेक्सुअल। अब उसके बाद एक तो ये पहली चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब बाइसेक्सुअल में देयर इज अ नीड ऑफ इमास्कुलेशन, लेकिन यूनिसेक्सुअल में इमास्कुलेशन की कोई नीड नहीं है, तो ये एक दूसरा कॉन्सेप्ट इसके साथ जुड़ता है। अब इमास्कुलेशन को जस्टिफाई करना पड़ेगा आपको टू प्रिवेंट आपका अनडिजायर्ड पॉलन्स, जो हम नहीं चाहते उन पॉलन्स को प्रिवेंट करना, उनकी डस्ट, उसको हम नहीं चाहते कि वो डस्ट हो, इसीलिए उसको हमने कट करके फोरसेप से हटा दिया, जिसको हमने नाम दिया इमास्कुलेशन। समझ में आ रही है बात। अब इमास्कुलेशन करने के बाद दोनों में सेम प्रोसीजर होगा, जिसे हम कहेंगे बैगिंग, बटर पेपर के बैग के थ्रू इसको हम ढक देंगे, ताकि हम जो अनवांटेड पॉलन है उसका कंटेमिनेशन रोक सकें। इमास्कुलेशन से तो हमने प्रायर रोक लिया बायोसेक्सुअल के लिए, ठीक है जी, के उसके ही पॉलन ग्रेन ना गिर जाएं जो फ्लावर हम ले रहे हैं बायोसेक्सुअल। और बाकी अब अगर हम उसे ढकेंगे नहीं तो हवा के थ्रू या इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन नेचुरल भी हो सकता है, तो उसको रोकने के लिए हमने क्या करा, बैगिंग कर दी। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, आपका फ्रूट सेट डेवलप होने यानी कि मैच्योरिटी लेवल देखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं कंटिन्यूअसली, और फिर उसको रीबैक कर देते हैं। तो इस तरीके से आपको ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर स्ट्रेटजाइज करने हैं और उसकी वैल्यू को समझना है। तो अब आप डिफरेंस समझ रहे होंगे, कॉन्सेप्ट यही आने हैं घूम फिर के बच्चों, लेकिन उसके अंदर डिफरेंशिएशन क्या होगा वो अभी मैंने आपको 2 क्वेश्चन के थ्रू समझाया, जो आपको बहुत अच्छे तरीके से अपने दिमाग में रखना है। यही चीज आपको दिमाग में रखनी है कि हर क्वेश्चन को किस तरीके से उसका जो फ्लेवर है जो पूछा गया, इसीलिए क्वेश्चन को, इसीलिए इसको बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है और समझना है, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से वैल्यू देनी है। अगर क्वेश्चन को आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो उसको फिर आपको स्ट्रेटजी बनाना उसके ऊपर कि उसमें एक्चुअली पूछा क्या गया है और मुझे क्या लिखना है, तो ये सारी चीज़ें बड़ी मुश्किल पड़ जाएंगी। अब इस तरीके से हम और पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हैं, देखिए अब और इस चैप्टर पर आपको किस तरीके के क्वेश्चंस मिल सकते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट, उस चीज के ऊपर बात करते हैं। देखिए जी, तो देखिए जैसे कि आपको इसके अंदर क्वेश्चन दिए गए हैं, अब जैसे ये आपको एक डायग्राम दे दिया गया,
अब इसके ऊपर क्या क्वेश्चन बन सकता है उसके ऊपर बात करते हैं। ये आपको डायग्राम दे दिया गया और इस डायग्राम से आपको ये हटा दिया गया, इसको हमने यहाँ से हटा दिया। अब इसको कह दिया एक्स या इसको ए बी सी डी कुछ भी नाम दे दिया गया। अब यहाँ पर आपको इससे पूछा गया कि भाई आइडेंटिफाई एक्स, तो आप आइडेंटिफाई एक्स को क्या लिखेंगे, दैट्स अ लॉन्जिट्यूडनल ग्रूव लेंथवाइज, लॉन्जिट्यूडनल ग्रूव लेंथवाइज। अब ये आपका पहला क्वेश्चन था, इसके ऊपर आपको हाफ मार्क्स मिल गया। अब इसका दूसरा पार्ट ये पूछा गया है कि राइट इट्स टू फंक्शंस, इसके दो फंक्शंस बताइए, इसके आपसे टू फंक्शंस पूछ लिए कि इसके दो काम क्या है, ये किस तरीके से, या दो यूटिलाइजेशन इसके, या इसकी यूटिलिटी, या इसकी इम्पोर्टेंस, या इसकी सिग्निफिकेंस, किसी तरीके से भी आपसे पूछ लिया। तो एक तो ये है भाई लाइन ऑफ डिहिसेंस, यानी कि इसके थ्रू पॉलन ग्रेन डिहीस होते हैं, बिखरते हैं, तो ये हो गया। और दूसरा दैट आल्सो सेपरेटिंग द थीका, ये थीका को, यानी कि जो थीका है, ये एक थीका, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, भाई एक एंथर के अंदर नॉर्मली चार माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं, एक माइक्रोस्पोरेंजियम को एक थीका ही बनाता है, तो उसके अंदर, तो ये इस तरीके से आपका हाफ, आपका ये इस तरीके से, ये एक नंबर चलिए इसका कर देते हैं पहचानने का, और आधा इसका हो गया, आधा इसका हो गया, और इस तरीके से आपका ये पूरा दो नंबर का क्वेश्चन बन गया, जो कि इस डायग्राम बेस्ड के बेसिस पर पूछा जा सकता है, और ये बन गया आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, डायग्राम बेस्ड। अब इसी तरीके से एक और क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट। अब ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है। अब इसमें फिर वही इन सब की लेयर्स को हटा दिया गया। अब इसके अंदर आपसे, चलिए ये सामने भी दे दिया गया, सामने के बेसिस पर भी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ जो कि बड़ा इम्पॉर्टेंट बन जाएगा। ये सब कुछ आपको दिया हुआ है और तब भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कि भाई फंक्शन क्या होगा इस लेयर का, तो बड़ा कॉमन सा फंक्शन है न्यूट्रिशन, दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू पॉलन ग्रेन्स, ठीक है जी। उसके बाद आपसे पूछ लिया गया कि राइट टू फंक्शंस ऑफ दीज थ्री लेयर्स, इन तीन लेयर्स के फंक्शंस क्या हैं, दो फंक्शन आपको बताने हैं, तो इनके दो फंक्शन है, पहला है इसका फंक्शन प्रोटेक्शन और दूसरा है आपका डिहिसेंस ऑफ पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स का डिहिसेंस इसका दूसरा फंक्शन है। तो इस तरीके से आप सपोज कीजिए ये आपका आधा नंबर का ये हो गया, हाफ मार्क्स का ये हो गया, हाफ मार्क का आपका ये हो गया, ठीक है जी। अब यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लिया इसमें कि जो ये हाउ दीज माइक्रोस्पोर मदर सेल डेवलप, हाउ माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये एमएमसी जो होते हैं, फ्रॉम विच सेल विच टिश्यू दे डेवलप राइट द, फ्रॉम विच टिश्यू दे डेवलप राइट द स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ दैट टिश्यू। ये दो क्वेश्चन आपसे इसमें सी पार्ट में करके और पूछ लिए। क्या मैं फिर दोबारा से बोल रहा हूं कि फ्रॉम विच टिश्यू दीज माइक्रोस्पोर मदर सेल विल डेवलप राइट द स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ दैट टिश्यू। तो देखिए माइक्रोस्पोर मदर सेल विल डेवलप फ्रॉम स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू, तो आधा नंबर इस बात का हो गया, आपने सही लिख दिया, स्पोरोजिनस टिश्यू से डेवलप होता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि ये इसके स्ट्रक्चरल फीचर्स क्या हैं,
इसके स्ट्रक्चरल फीचर्स ये हैं कि ये आपका होमोजीनियस होता है, ये एक तीस तरीके की सेल से ही बना हुआ होता है, और इसके ये सेंटर में प्रेजेंट होता है, सेंट्रल टिश्यू है ये, बिल्कुल सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है आपका, बिल्कुल सेंट्रल मास है और होमोजीनियस सेल से यानी कि एक जैसी सेल से मिलकर बना होता है। तो अब आपका इसी तरीके से आधा इसका और आप देखेंगे तो ये टोटल 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है, जो कि इस डायग्राम बेस्ड ये आपका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बन गया, जिसे हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का नाम दे सकते हैं। तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस बड़े फेवरेट होते चले जा रहे हैं, जिनके ऊपर आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। दीज आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं, तो इन पर आपको बहुत फॉर्मुलेट करना है, बहुत जोड़कर चलना है। आना सब कुछ एनसीईआरटी से ही है, ईच क्वेश्चन विल कम फ्रॉम एनसीईआरटी, बट ओनली देयर आस्किंग अप्रोच इज टोटली डिफरेंट, उनके पूछने का तरीका बिल्कुल ही बिल्कुल अलग होगा, उसमें आपको अपना पूरा दिमाग यूज करना पड़ेगा, पढ़ते वक्त उसके ऊपर पूरी तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। अब एक और देखिए, अब इस पर ये आपको क्वेश्चन दे दिया गया, ये एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, कि ये आपको एक डायग्राम दे दिया गया और ये आपसे पूछ लिया गया कि नेम द डायग्राम, नेम द फिगर, कि फिगर क्या है। पहला क्वेश्चन हो गया नेम द फिगर, नेम द फिगर, तो आपने लिखा इसका नाम, आंसर में लिखा माइक्रोस्पोर टेट्राड, आधा नंबर आपको मिल गया इसका, आपने इसका नाम लिखा माइक्रोस्पोर टेट्राड, पहला क्वेश्चन इसका, इस क्वेश्चन वन कह दीजिए इसको, इसका ए पार्ट, इसका आधा नंबर आपको मिल गया। बी पार्ट में आपसे इसको पूछ लिया गया कि हाउ माइक्रोस्पोर्स, हाउ माइक्रोस्पोर्स डिसोसिएट एंड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, डिसोसिएट एंड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, कि एक दूसरे से ये कैसे सेपरेट होते हैं और डिसोसिएट होते हैं। तो आपको यहां पर सिंपल आंसर ये लिखना है कि एट मैच्योरिटी, मैच्योर जब होते हैं तो दे बिकम डीहाइड्रेट, ठीक है, और जिसकी वजह से, इन दोनों प्रोसेस की वजह से, मैच्योरिटी का लेवल आने की वजह से और डिहाइड्रेशन की, ये दोनों, ये चारों एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं और सेपरेट हो जाते हैं। तो इस दो वैल्यू के बेसिस पर आपको हाफ प्लस हाफ मिल जाता है। अब इसमें ये 1.5 का बना, मान लीजिए एक क्वेश्चन इसके अंदर और जोड़ दिया जाए, और वो जोड़ दिया जाए कि भाई आपसे पूछ लिया जाए कि नेम द डिवीज़न फ्रॉम विच दीज माइक्रोस्पोर टेट्राड आर फॉर्म्ड, तो आप इसमें लिखेंगे मियोसिस और रिडक्शन डिवीज़न, मियोसिस और रिडक्शन डिवीज़न इन पॉलन मदर सेल, पॉलन मदर सेल के अंदर वो रिडक्शन डिवीज़न होता है जिसकी वजह से ये माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं। या इसके अलावा आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये माइक्रोस्पोर टेट्राड, ये एक माइक्रोस्पोर आपका किस आगे चलकर, व्हाट इज़ द फेट ऑफ माइक्रोस्पोर, ठीक है, व्हाट इज द फेट ऑफ ईच माइक्रोस्पोर, तो आप लिखेंगे ईच माइक्रोस्पोर डेवलप्स इनटू पॉलन ग्रेन एंड दैट इज नेम्ड एज मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट का मतलब है, गैमेटोफाइट का मतलब होता है ऐसा पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो गैमीट को बियर करता है, यानी कि जो आगे चलकर गैमीट बनाएगा, उस स्ट्रक्चर को हम मेल गैमेटोफाइट या
फीमेल गैमिटोफाइट जैसे अभी आप जानते ही हैं कि एम्ब्रियो सैक होता है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन में अलग अलग वैल्यूज बनकर आपसे पूछा जा सकता है। अब एक और इसी तरीके का ये क्वेश्चन है जो आपके सामने है, एंड दैट इज वेरी इम्पॉर्टेंट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। ये है कि ये आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से एक माइक्रोस्पोर एक पूरी तरीके से पॉलन ग्रेन में, मैच्योर पॉलन ग्रेन में डेवलप हो रहा है। हाउ अ माइक्रोस्पोर डेवलप्स इनटू अ पॉलन ग्रेन। अब इसकी कोई भी जानकारी बुक में नहीं है, बुक में केवल इसका डायग्राम दे रखा है, लेकिन इस डायग्राम के बेसिस पर आपसे एक्सप्लेनेशन पूछा जा सकता है, क्योंकि यही बन जाएगा आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। अब इसको आप किस तरीके से लिखेंगे देखिए। अब ये अगर क्वेश्चन आ जाता है 2 या 3 नंबर में, तो ये आपको डायग्राम भी बनाना होगा और इसको समझाना भी होगा। जैसे कि ये हमारा दिया हुआ है, हमें माइक्रोस्पोर, क्या दिया हुआ है ये माइक्रोस्पोर, ये इसकी हो गई आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गया इसका इनर मेम्ब्रेन, ये हो गया इसका न्यूक्लियस, और ये हो गया इसका साइटोप्लाज्म। तो इस तरीके से आपने इसकी नेमिंग कर दी, ठीक है जी। अब इसके अंदर पहला चेंज क्या हुआ, चेंजेस इसमें यहां से होने शुरुआत हुए, फॉर्मेशन ऑफ वॉक्यूल्स, ठीक है। पहला आप क्या लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ वॉक्यूल्स एंड एनलार्जमेंट ऑफ न्यूक्लियस, दो चेंजेस हुए इसके अंदर। पहला वॉक्यूल्स बन गई और दूसरा एनलार्जमेंट हो गया न्यूक्लियस का, ठीक है। तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप कि जो माइक्रोस्पोर में है वो क्या चेंजेस आएंगे। पहला चेंज आएगा कि वॉक्यूल्स डेवलप हो गई, और दूसरा चेंज आएगा कि न्यूक्लियस एनलार्ज हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट चेंज क्या होगा, नेक्स्ट चेंज में आप देख सकते हैं देयर इज मर्जिंग ऑफ वॉक्यूल्स, वॉक्यूल्स की मर्जिंग हो गई, एंड देयर फॉर्म आपका डेवलपमेंट ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ एसिमेट्रिक स्पिंडल। जो न्यूक्लियस है उसके अंदर एसिमेट्रिक स्पिंडल बन गया। एसिमेट्रिक का मतलब ये आगे चलकर अनइक्वल डिवीजन देगा, ये आगे चलकर अनइक्वल डिवाइड करेगा, माइटोसिस इसके अंदर होगा। That is, there is division, mitosis. इसके अंदर mitosis होगा 100%, there is no doubt, उसमें कोई doubt नहीं है, 100% इसके अंदर mitosis होगा। लेकिन mitosis में generally हमने पढ़ा है कि equal cells बनती हैं, लेकिन यहाँ पर ये speciality है इसकी कि ये that is asymmetric, asymmetric spindle होने की वजह से cell, this nucleus will divide unequally, इसमें large portion एक अलग लार्ज न्यूक्लियस बनेगा और एक स्मॉलर न्यूक्लियस बनेगा। तो ये चेंजेस हुए इसके सेकंड में स्टेप में। थर्ड स्टेप के अंदर इसमें चेंज क्या होगा, थर्ड स्टेप में देखिए, जो अभी मैंने आपको बताया अनइक्वल होगा लार्ज और स्मॉल, तो ये जो लार्ज है ये आगे चलकर वेजिटेटिव न्यूक्लियस बनाएगा, और जो ये स्मॉल है ये आगे चलकर जनरेटिव न्यूक्लियस बनाएगा। तो इस तरीके से आप जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस होगा उसके चारों तरफ जो साइटोप्लाज्म होगा वो एक बड़ी सेल बनाएगा जिसके अंदर वॉक्यूल्स होंगी और वो कहलाएगी वेजिटेटिव सेल, और जो दूसरी सेल होगी स्मॉलर न्यूक्लियस वाली जिसका स्पिंडल शेप्ड न्यूक्लियस होगा वो कहलाएगी जनरेटिव सेल। अब इसी तरीके से जो आउटर मेम्ब्रेन है वो एक्साइन में बदल जाएगी, और जो इनर मेम्ब्रेन है वो इंटाइन में बदल जाएगी, और इस तरीके से ये पूरा डेवलपमेंट आप 3 नंबर का ये मिनिमम क्वेश्चन दिखाई दे रहा है मुझे जो आपसे पूछा जा सकता है, और इस तरीके से आप इसको समझाएंगे, और इसका ये बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम के लिए बन सकता है क्योंकि आज तक ये एक बार भी इस तरीके से पूछा नहीं गया है। तो इसके चांसेस ब्राइट हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है बच्चों, ठीक है जी। तो इस तरीके का ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है, दैट कैन बी आस्क्ड इन टर्म्स ऑफ दिस। अब इसी तरीके से आपसे एक और क्वेश्चन बन सकता है
क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया गया कि क्वेश्चन पूछ लिया गया आपसे राइट द केमिकल नेचर एंड फंक्शन ऑफ ऑल मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट इन इन अ मैच्योर पॉलन ग्रेन। तो अब इसका आंसर, ये भी एक बड़ा अच्छा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। दैट्स अ वेरी वैल्यूएबल क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। अब यहां आप लिखेंगे लेयर्स ऑफ पॉलन ग्रेन एंड दीज लेयर्स, तीन हो सकती हैं आपकी, ये आउटर एग्जाइन, मिडिल हो गई आपकी इंटाइन, और तीसरी हो गई आपकी इनर मोस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अब इनकी केमिकल नेचर की बात करें हम, केमिकल नेचर, तो केमिकल नेचर दैट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई होती है ये। दूसरा, इसकी नेचर की हम बात करें तो दैट इज मेड अप ऑफ सेल्युलोज एंड पेक्टिन, सेल्युलोज प्लस पेक्टिन। और तीसरा, ये आप जानते ही हैं, लिपिड और प्रोटीन्स की बनी हुई होती है, ये तो सभी में कॉमन है उसी तरीके से, ये आपने 11th क्लास 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो केमिकल नेचर हो गया। अब ये आपका 1.5+1.5 का होगा क्वेश्चन 3 नंबर का, कि तीनों की केमिकल नेचर और तीनों के फंक्शन। अब फंक्शन की बात करते हैं, फंक्शन, अब आपको मैं देखो लिखने का भी तरीका बता रहा हूं, इसमें कम से कम लिखना पड़ेगा आपको और बेस्ट वैल्यू मिलेगी इसकी आपको, बेस्ट। तो इसमें अब स्पोरोपोलेनिन आप जानते ही हैं, कोई भी एसिड या बेस इसको डिग्रेड नहीं कर सकता, दैट विद स्टैंड हाई टेम्परेचर, इसका आपका मोस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल है, रेजिस्टेंट मटेरियल। तो आप कोई सा भी एक लिख सकते हैं, और 4-5 इसके फंक्शन आपको बुक के अंदर दिए हुए हैं। नेक्स्ट, दूसरे का फंक्शन हो जाएगा इसका कि जो ये मिडिल, ये आपका इंटाइन जो है, ये ही पॉलन ट्यूब के तौर पर बाहर आती है, दैट कम्स आउट एज पॉलन ट्यूब फ्रॉम वन ऑफ द जर्म पोर, किसी एक जर्म पोर से ये पॉलन ट्यूब की फॉर्म में बाहर आती है। नेक्स्ट आपसे इसका, दैट सराउंड्स द साइटोप्लाज्म। अब अलग अलग उस तरीके से, तो ये इस तरीके से आपका 1.5+1.5, 3 नंबर में एक ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है जी, इसके अंदर आपसे पूछ लिया गया कि भाई, क्वेश्चन बन गया कि पॉलन ग्रेन्स आर शेड डिफरेंटली इन नेचर from the anther, justify with reason। अब ये क्वेश्चन फिर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम। ये पॉलन ग्रेन्स जो हैं आर शेड डिफरेंटली इन नेचर, अलग अलग तरीके से शेड किए जाते हैं। अब आप जानते ही हैं कि पॉलन ग्रेन्स
दो तरीके से शेड किए जाते हैं नेचर में, एक 60% और एक 40%। 60% शेड किए जाते हैं, दोज आर टू सेल्ड पॉलन ग्रेन्स होते हैं, और जो 40% हैं वो थ्री सेल्ड पॉलन ग्रेन्स होते हैं। पॉलन ग्रेन्स जो टू सेल्ड होते हैं उसमें दो सेल होती हैं, एक वेजिटेटिव और एक जेनरेटिव। अब जेनरेटिव सेल ड्यूरिंग पॉलन ट्यूब ग्रोथ डिवाइड बाय माइटोसिस टू फॉर्म टू मेल न्यूक्लियाई, ये दो मेल न्यूक्लियाई बनाता है। लेकिन इस थ्री सेल्ड में पहले से ही डिवीजन हो चुका है, इस थ्री सेल्ड में पहले से ही डिवीजन हो चुका है। इसके अंदर आपकी वेजिटेटिव सेल मिलेगी और टू मेल न्यूक्लियाई मिलेंगे, क्योंकि इसमें जनरेटिव सेल पहले से ही डिवाइड हो चुकी है और शुरुआत से ही इसमें दो मेल न्यूक्लियाई हैं। लेकिन इसके अंदर मेल न्यूक्लियाई माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होंगे जब पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन और ग्रोथ हो रहा होगा उसी दौरान। तो इस तरीके से ये 1+1 दो मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इस बेसिस पर, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है जी, इसी तरीके से नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऐसे बन सकते हैं जो कि आपके वैल्यू को ऐड कर रहे हैं। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको दिमाग में रखनी है कि क्या आप किस तरीके से आपकी वैल्यू को चेक किया जा रहा है, किस तरीके से ये चेक किया जा रहा है कि आपने क्या समझा, क्या आप इस चीज़ को। अब जैसे कि यही डायग्राम आपको दे दिया गया, ठीक है जी, और इसके बेसिस पर कि भाई व्हाई सच पॉलन प्रोडक्ट्स आर यूज्ड इन सम कंट्रीज, तो आप इसमें ये लिख सकते हैं वेस्टर्न कंट्रीज। तो आप नंबर ऑफ पॉलन प्रोडक्ट्स क्या है, क्योंकि पॉलन जो है फूड सप्लीमेंट्स के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरा इसका व्हाट राइट अ मिसयूज ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, तो मिसयूज में क्या आएगा, दीज पॉलन कंजम्पशन हैज बीन क्लेम्ड टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस, तो इसलिए डोपिंग में इसका यूज किया जाने लग गया, तो ये एक इसका इल इफेक्ट हो गया, इसका इल इफेक्ट हो गया। इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन बन सकता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाता है, ये इसके ऊपर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है आपका। एमसीक्यू बेस्ड क्या है, तो देखो जी, पॉलन वायबिलिटी आपका दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, एक टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और एक डिपेंड करती है ह्यूमिडिटी पर, तो इसके बेसिस पर एमसीक्यू बन सकता है। दूसरा आपका पॉलन वायबिलिटी सबकी अलग अलग होती है, जैसे पॉलन वायबिलिटी रिलीज होने के ही 30 मिनट्स में यूज़ कर देते हैं रोजेसी, लेग्यूमिनोसी और सोलेनेसी के मेंबर, और बहुत सारे ऐसे हैं जो वीट के अंदर 30 मिनट्स के अंदर लूज हो जाती है, और वहीं रोजेसी और सोलेनेसी इनमें पॉलन वायबिलिटी मंथ की होती है। तो यहाँ पर हमारे इस पैराग्राफ के अंदर तीन कॉन्सेप्ट्स बनते हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला, पॉलन वायबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, या चार कह सकते हैं आप, व्हाट इज पॉलन वायबिलिटी। पॉलन वायबिलिटी का मतलब ये हुआ कि पॉलन शेड होने के बाद कितने ड्यूरेशन तक पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करने की कैपेसिटी रखता है, तो दैट इज पॉलन वायबिलिटी। अब उस पॉलन वायबिलिटी की दूसरा आ गया डिपेंडेंसी क्या है इसकी, तो डिपेंडेंसी हो गई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। तीसरा हो गया इसके दो एग्जांपल के, वीट जैसे प्लांट्स अपने पॉलन्स की वायबिलिटी केवल शेड होने के 30 मिनट्स में
खो देते हैं, और दूसरा दूसरे मेंबर्स हैं आपके रोजेसी, सोलेनेसी और लेग्यूमिनोसी जैसे फैमिलीज के, ये अपनी वायबिलिटी 4 मंथ्स कुछ महीनों के अंदर खो देते हैं। तो अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्चुअल वैल्यू इसकी कि इनको हम किस तरीके से रखते हैं, दैट इज नेम्ड एज क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक, जिसके अंदर -136 डिग्री सेल्सियस से -196 डिग्री सेल्सियस के अंदर लिक्विड नाइट्रोजन में इसको रखा जाता है, केवल इनको जिंदा बनाए रखने के लिए, मिनिमाइज्ड मेटाबॉलिक कैपेसिटी के साथ रखा जाता है इनको, ताकि ये हम इन प्लेसेस को, इन स्टोरेज हाउसेस को हम कहते हैं पॉलन बैंक्स, और इन पॉलन बैंक्स का काम होता है क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में, यानी कि जब हमारे पास उसका सीजन भी नहीं है, हमारे पास उसके पॉलन या फसल ख़राब हो गई, पॉलन्स प्लांट ही अवेलेबल नहीं है नेचुरल फॉर्म में, तो हम उनके प्रिजर्व पॉलन से हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में रिसर्च कर सकते हैं, और इस तरीके से ये हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को चेंजेस करेंगे, उनकी इम्पॉर्टेंस को समझेंगे, तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। आज मैंने आपको ये समझाया कि हमें किस तरीके से अलग होकर, डिफरेंट होकर तैयारी करनी है, अपनी अप्रोच को बदल कर चलना है। अगर इस तरीके से हम चैप्टर बाय चैप्टर तैयार करेंगे तो डेफिनेटली आपको कोई नहीं रोक सकता कि आप बढ़िया नंबर लाएँ, Nobody can stop you। तो इस तरीके से हमें एक चेंज अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट की पूरी वैल्यू को देते हुए आगे बढ़ना है। सो दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो कल फिर मैं आपके साथ इसी समय के आसपास जुड़ूंगा, 7:30 बजे फिर लाइव होऊंगा मैं, और आपको फिर इससे रिलेटेड कुछ पोर्शन, कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा चैप्टर्स वाइज, और जुड़े रहिए, देखते रहिए, और इसी तरीके से अपने आप को आने वाले बायोलॉजी के एग्ज़ाम के लिए स्ट्रांग बनाते रहिए, क्योंकि हम पढ़ेंगे बायोलॉजी को लेकिन अलग हटकर पढ़ेंगे। हम आने वाले पेपर में जिस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं उनको रीच करने के हिसाब से पढ़ेंगे। तो इसी तरीके से जुड़े रहिए मेंटोर जी के साथ, जुड़े रहिए वीजे के साथ, और बायोलॉजी का डीजे हमें हर हालत में बजाना है, और इस तरीके से हमें अपने आप को तैयार करना है कि हम उसको मैक्सिमम स्कोर में बदल सकें। तो कल मिलते हैं और फिर इसके आगे के पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस करते हैं।